डॉक्टर स्टाफ माझ्या सिस्टर लोक चेक करायला येतात, सगळं काही माझ्या मोफत, एवढी सोय कोण करू शकतं? आणि घरी माझ्या बी मी बी करू टिकू शकत नाही, मी गरीब माणूस आहे, शेतकरी माणूस आहे. एवढं मोठं हे आमदार साहेबाने काम केलं आहे, याचं पुण्य फार मोठं होणार आहे. सारे लोग हिम्मत नहीं करते ऐसा सेटअप करने की. बहुत सारे लोगों ने CCC किया है, लेकिन DCSC बनाने वाले वो पहले MLA है महाराष्ट्र के, और मैं कहूँगा शायद देश के भी पहले MLA है. खूप चांगलं केलं गरिबासाठी, माणसासाठी. खूप बम साहेबांनी चांगलं केलं, सोय केली गरिबासाठी. ये 7 दिवस झाले ना तुम्हाला? हां, ये पहिले दिन ॲडमिट हुआ पेशंट आहे अपना. इनको इनका सिटी स्कॅन का स्कोर 19 था, और इनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी. 15-18 लीटर ऑक्सीजन पे हमने इनको रखा था ICU में, और अभी कल इनको शिफ्ट किया है हमने ऊपर. अभी बिना ऑक्सीजन के है, एकदम अच्छा है. फिंगर पोप आए क्या? जावं लागलं असतं पाहिजे तर झाली असती. इतक्या लांब जवळच्या जवळ, आणखी 2-3 किलोमीटर जवळ असेल, त्याच्यामुळं काहीच नाही वाटलं. लगेच ॲडमिट झालो, जा समजलं पॉझिटिव्ह रिपोर्ट आला कोरोनाचा, लगेच ॲडमिट होऊन गेलो आम्ही. खूप चांगलं केलं गरिबासाठी, माणसासाठी. खूप बम साहेबांनी चांगलं केलं, सोय केली गरिबासाठी. नाव सांगा आणि रहिवासी कुठले? नंदिनी मोरे, माळीवाडगाव. रहिवासी कुठले? माळीवाडगाव. कोरोना की कितनी लहर का अंदेश बता रहे हैं, और इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है तो खतरा है, बच्चों की बहुत ज़्यादा सेफ्टी करना है. तो बच्चों को लेकर के यहाँ पे कुछ इंतजाम आगे के लिए किए है या तैयारी में? हम लोग अभी जैसा ही ये थोड़ा सा इसमें से अपने को सहूलियत मिल जाएगी, थोड़ा ये पेशेंट्स कम हो जाएंगे, हम लोग वैसे ही पेडियाट्रिक्स जो रहते हैं अपने कंसर्न पेडियाट्रिशियन, उनसे हमारी बातचीत चल रही है, और हम लोग उनको टाइप करने के फिराक में हैं अभी. तो जैसे ही प्रिपरेशन ऐसा रहेगा कि हम लोग यहाँ पे एक 10 बेड का PICU का प्लान करने वाले हैं आगे, मतलब तैयारी में रहने वाले हैं. अगर वो पेशेंट वैसे बढ़ते हैं तो अपना 10 बेड का PICU और बाकी जनरल बेड अपने पास 100 है, उसमें से हम लोग मैनेज करने वाले, मतलब पेडियाट्रिक और एडल्ट सेंटर दोनों रहने वाले अपने यहाँ पे. आप एक डॉक्टर है और आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो हॉस्पिटल बना है आगे खतरा बढ़ने वाला है, या ये हॉस्पिटल में काम चल जाएगा, या एक और हॉस्पिटल की ज़रूरत है यहाँ पे? अभी क्या है, इतना अपना कैपेसिटी रहने के बावजूद भी अपने पास हर रोज 3-4 पेशेंट वेटिंग पे है. 2-4 लोगों को अपने को मजबूरन हाँ नहीं बोलना पड़ रहा है, किसी को वेटिंग पे लेके कोई डिस्चार्ज करा के अपन ले रहे हैं, ऐसा है. तो ज़रूरत तो डेफिनेटली है, और कुछ कहा नहीं जा सकता कहाँ तक जाने वाला है, पेशेंट्स कहाँ तक आने वाले हैं, कितना टाइम लेगा, ये सब चीज़ें. अपना काम करता रहना है अपने को, फिलहाल ज़रूरत तो डेफिनेटली है. चलते चलते एक सवाल मेरे मन में ये उठ रहा था कि जैसे मेडिसिन है जो कि कोविड की बहुत महंगी आ रही है, जो इंजेक्शन है वो मिल नहीं रहा है, आपका ब्लैक मार्केटिंग चालू है, यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन है या फिर अपना क्या है? नहीं, रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन है या फिर टॉक्लिजोमा का इंजेक्शन है, तो हम लोग प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं. हम लोग कलेक्टर साहब के ऑफिस में लिस्ट भेजते हैं, और वो उनके आए हुए लॉट में से अलॉट करते हैं अपने को, कितना देना है उनके इस पर रहता है.
समझो औरंगाबाद जिले में 100 इंजेक्शन आते हैं उदाहरण के तौर पर, तो अपने पेशेंट के हिसाब से वो 1, 2, 5 ऐसा अपने को देते हैं। और अपन यहाँ पे पेशेंट को फ्री में दे रहे हैं? नहीं, वो खरीद मतलब जो चीज़ अपन खरीद रहे हैं, मेडिसिन है, इंजेक्शन है, वो खरीद रहे हैं, वो अपने को देना है उनको। जैसा रेमडेसिविर उनको खरीदना पड़ रहा है, जो आपके पास फ्री में आ रही है वो? हाँ, जो फ्री में मिलता है या फिर दे सकते हैं वो दे रहे हैं अपन। फिलहाल ऑक्सीजन है, बेड चार्जेस नहीं है, डॉक्टर फीस नहीं है, लेकिन मेडिकल में अपन ने उनको डिस्काउंट का मैनेज करा के दिया है कि बाबा 20% डिस्काउंट अपन आपको दे सकते हैं। मतलब कुछ आइटम ऐसे रहते हैं जिनमें डिस्काउंट मतलब कम दे सकते हैं, उनको कम है, बहुत ज़्यादा देखते हैं उनको ज़्यादा भी करने वाले अपन लोग ऐसा है। कितने डॉक्टर्स की टीम है, कितने नर्स है? अभी फिलहाल अपने पास राउंड द क्लॉक कंसल्टेंट बोलते हैं इंटेंसिविस्ट, वो 4 है, और लगभग अभी 7 डॉक्टर तैनात है, और 2-3 लोग 2-3 दिनों में 12 तारीख तक बढ़ने वाले हैं अपने पास। नर्सेस लगभग 36-37 नर्सेस है, और हाँ हर एक ड्यूटी में हर एक वार्ड में लगभग 6-6 नर्सेज अपन अपॉइंट कर रहे हैं उनको। मतलब डे ना हाँ शिफ्टिंग वाइज ड्यूटी है उनकी, बहुत सारे स्वीपर्स है, वार्ड बॉयज़ है, लगभग 60-70 लोगों की टीम अपने पास अभी फिलहाल काम कर रही है। आखिर में एमएलए साहब को क्या कहेंगे चलते चलते? उन्होंने बहुत बड़ा साहस किया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती है, लोग एलिगेशन करते हैं अपनी सोसाइटी में, लोगों को इतना कुछ मालूम नहीं है बीमारी के बारे में, अस्पताल के बारे में, लोगों की मंजूषा रहती है कि 100% पेशेंट अपना ठीक ही होना चाहिए, और इस वजह से बहुत सारे लोग हिम्मत नहीं करते ऐसा सेटअप करने की। बहुत सारे लोगों ने CCC किया है, लेकिन DCSC बनाने वाले वो पहले MLA है महाराष्ट्र के, और मैं कहूँगा शायद देश के भी पहले MLA है, और बहुत बड़ा ये काम था, उन्होंने बहुत हमको तेज़ी दी काम करने को, बहुत सारा फ्रीडम दिया, और सब चीज़ों का हमको उन्होंने जो चाहिए वो दिया, टाइम पे दिया, इसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। मैं कहूँगा ऐसा लगभग हर एक MLA ने कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा एक हर एक अस्पताल उसके इसमें खोलना चाहिए उसने ऐसा। आपका पूरा नाम? मैं डॉक्टर रंजीत गायकवाड़, मैं लासूर का ही रहने वाला हूँ, लासूर से मेरा यहाँ पे जलगांव एक छोटा गांव है, वहाँ से मैं रहने वाला हूँ। आपकी पोस्ट क्या है? मैं यहाँ पे फिलहाल सब मैनेजमेंट देख रहा हूँ, एडमिशन देख रहा हूँ।